आज हमारा टॉपिक है अपील, रिव्यू एंड रिवीजन। ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। चैप्टर नंबर 18 में उसने रखा हुआ है अपील, रिव्यू एंड रिवीजन। अपील जो है स्टैट्यूटरी राइट होता है, और हम जब एक रेवेन्यू ऑफिसर के ऑर्डर के खिलाफ ऊपर जाना चाहते हैं, या हम किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर के ऑर्डर से अग्रीव्ड हैं या सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम उसके खिलाफ अपील उसकी सुपीरियर कोर्ट में कर सकते हैं। अपील हमेशा याद रखें कि ये सुपीरियर कोर्ट में होती है, सेम कोर्ट में नहीं होगी। फिर आ गए रिव्यू, नजरसानी का ये भी खास ख्याल रखना है। जो नजरसानी इसलिए कहा कि दूसरी नजर डाले, इसी लफ्ज से हमें इसके फॉर्म का पता चल जाता है कि जी दोबारा नजर डाले, तो इससे साबित हुआ कि जिस ऑफिसर ने फैसला दिया है उसी ऑफिसर को दोबारा रिव्यू की दरख्वास्त देंगे कि इसके ऊपर नजरसानी करें, नजरे करम दोबारा फैलाएं कि आपने जो ऑर्डर किया है वो इलीगल है, आपकी जल्दबाजी का नतीजा है, या मेरे पास एविडेंस नहीं थी, या मैं मजीद एविडेंस लेके आया हूं, या फलां डिफेक्ट है, या क्लेरिकल मिस्टेक है, या एरर है, तो वो इसमें डाल देंगे। इसके बाद आ जाती है रिवीजन। रिवीजन बोलते हैं निगरानी। अब निगरानी जो होती है ये भी सुपीरियर कोर्ट की में होती है। अब मैं इन दोनों को, अपील को और रिवीजन को, एक दूसरे की बहनें समझता हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि जब अपील का राइट मौजूद होगा तो रिवीजन लाए नहीं करेगी। अगर अपील का राइट नहीं दिया गया एसरी डिग्री ऑर्डर और जजमेंट के खिलाफ, तो फिर हमारी जो पटिशन होगी वो रिव्यू की शक्ल में होगी, निगरानी की शक्ल में होगी कि उस ऑर्डर के खिलाफ हमें अपील का हक नहीं दिया गया, या फिर अपील का हक तो दिया हुआ था उसको हमने यूटिलाइज नहीं किया, हमने उसकी लिमिटेशन के अंदर अपील नहीं दायर की, तो हमारा राइट जो होगा रिवीजन एप्लीकेशन कंपिटेंट हो जाए। अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नंबर पे है हमारी अपील्स। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट, इस एक्ट में जो कुछ महफूज रखा हुआ है उससे हट के, एन अपील शैल लाई फ्रॉम ओरिजिनल और एपलेट ऑर्डर ऑफ अ रेवेन्यू ऑफिसर एज फॉलोज नेमली इन। अब देखें दो जुरिसडिक्शनें उसने बताई हैं उस ऑर्डर के खिलाफ हमें अपील का हक दिया गया है। पहला ओरिजिनल ऑर्डर, ओरिजिनल ऑर्डर उसको बोलते हैं जो फर्स्ट इंस्टांस में जिसमें दायरी दरख्वास्त की दायरी की जाती है और उसके बाद फैसला आता है, इसको हम ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट कहते हैं, कि जिसको जो कोर्ट ट्रायल कराती है फर्स्ट इंस्टांस के ऊपर, तो फर्स्ट इंस्टांस के ऊपर जब फैसला आता है तो उसको हम ओरिजिनल जुरिसडिक्शन कहते हैं। और फिर अगली बात उसने कही या एप्लेट ऑर्डर, अब ये सेकंड अपील हो गई। सेकंड अपील का हमने ट्रायल चलवाया ओरिजिनल रेवेन्यू कोर्ट में, उसने फैसला दे दिया, तो उससे हम अग्रीव्ड हुए या उस फैसले से हम सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे, तो हमने सुपीरियर कोर्ट में क्या कर दिया, अपील कर दी। अब अपील आ गई सुपीरियर कोर्ट में, उसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, नोटिस हुआ, तमाम पार्टियों को सुना गया, फिर फैसला आ गया, और वो फैसला भी हम उससे भी सेटिस्फाइड ना हुए, तो फिर वो ऑर्डर कौन सा कहलाएगा, एप्लेट ऑर्डर, और जो ओरिजिनल कोर्ट में था उसको ओरिजिनल ऑर्डर कहलाएगा। तो इससे साफ जाहिर है ओरिजिनल और एप्लेट ऑर्डर का मतलब ये है कि फर्स्ट एंड सेकेंड अपील जो है रेवेन्यू कोर्ट को भी मिल गई। ऑर्डर ऑफ अ रेवेन्यू ऑफिसर एज फॉलोज नेमली, तो अपील किधर जाएगी,
to the collector when the order is made by assistant collector of either grade. अब असिस्टेंट कलेक्टर थ्री ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टू ग्रेड के कलेक्टर है, फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड. अब ये दोनों जब भी फैसला पास करते हैं या ऑर्डर पास करते हैं या जजमेंट डिक्लेयर करते हैं तो उनके ऑर्डर के खिलाफ अपील किधर जाएगी? किसके पास? कलेक्टर के पास. इसी तरह कहता है टू द कमिश्नर. अब यह सेकेंड अपील हो जाएगी, कलेक्टर के पास अपील गई तो उसने उसके ऊपर फैसला दिया तो अब वो अपीलेट ऑर्डर हो गया. अपीलेट ऑर्डर की अपील किसके पास जाएगी? कमिश्नर. कमिश्नर के पास. टू द कमिश्नर व्हेन द ऑर्डर इज मेड बाय द कलेक्टर. जब ऑर्डर कलेक्टर करता है तो उसकी अपील किधर जाती है? कमिश्नर के पास. अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अपील कब जाएगी? टू द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ओनली ऑन अ पॉइंट ऑफ लॉ. स्टार बना ले, एक ही ग्राउंड दिया है उसने के पॉइंट ऑफ लॉ की अगर कमिश्नर ने कहीं मिस्टेक डन की है या इलीगैलिटी की है कि लॉ में ये था और उधर उसने कुछ और प्रोसीडिंग कंडक्ट करवा ली तो सिर्फ इसी ग्राउंड के ऊपर हम रेवेन्यू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास जाएंगे. वो थर्ड अपील होगी सर. कमिश्नर के पास भी अपने टाटर आता है, उसके पास भी जा सकते हैं. अगर ओरिजिनल कोई ऐसी चीज है कि उसको डील ही सिर्फ कमिश्नर कर सकता है, ओरिजिनल भी हो सकता है, अपलेट भी हो सकता है. लेकिन उसका ग्राउंड उसने क्या बताया? ऑनली ऑन अ पॉइंट ऑफ लॉ व्हेन द ऑर्डर इज मेड बाय कमिश्नर. लेकिन फिर उसने शर्त रखी प्रोवाइडेड दैट कि व्हेन एन ओरिजिनल ऑर्डर इज कंफर्मड ऑन फर्स्ट अपील. तो पहली अपील में ओरिजिनल ऑर्डर क्या हो गया? कंफर्म हो गया. मतलब कि ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया, आप उस फैसले से क्या हुए? सेटिस्फाइड ना हुए, आपने अपील कर दी कलेक्टर के पास. अब कलेक्टर ने अपलेट जुरिसडिक्शन को इस्तेमाल करते हुए उसी फैसले को क्या रखा? मेंटेन रखा, रिवर्स नहीं किया. मतलब दो कोर्टों के फैसले सेम आ गए. सेम ट्रायल कोर्ट ने भी वही फैसला दिया, हमने अपील की, उसने भी वही फैसला बरकरार रखा, कलेक्टर ने भी फैसला बाहर रखा. तो अब देखें द ऑर्डर मेड बाय द कमिश्नर ऑन फर्दर अपील, सॉरी प्रोवाइडेड दैट कि व्हेन एन ओरिजिनल ऑर्डर इज कंफर्मड ऑन फर्स्ट अपील अ फर्दर अपील शैल नॉट, तो थर्ड अपील की इजाजत. तो आप समझ लग गई जो तुम्हारे दिमाग में सवाल पैदा हो रहे थे, थर्ड अपील वो नहीं. थर्ड अपील तब लाए करेगी कि अगर ट्रायल कोर्ट ने फैसला कंफर्म किया, फैसला दिया तो कमिश्नर कलेक्टर ने उसको रिवर्स कर दिया तो फिर भी थर्ड अपील नहीं होगी. फिर भी किधर जाएंगे? निगरानी में जाएंगे, रिविजन में जाएंगे. वो भी वो सिविल कोर्ट, सिविल लॉ की बात कर रहा हूं. इसमें देखते हैं कि आगे क्या कहते हैं. When an original order is confirmed on first appeal, a further appeal shall not lie. फिर कहते हैं when any such order is confirmed or reversed on an appeal by the collector, चाहे उसने confirmed किया, चाहे उसको क्या कर दिया? Reverse कर दिया. दोनों सूरतें उसने लिख डाली. The order made by the commissioner on further appeal, if any. To him shall be final. तो फिर भी थर्ड अपील लाए नहीं करेगी. उस ऑर्डर को क्या समझा जाएगा? फाइनल समझा जाएगा. एक्सप्लेनेशन, चाहे उसने कंफर्म किया चाहे उसने रिवर्स किया तो उस ऑर्डर के खिलाफ कोई अपील आगे तीसरी अपील का जिक्र नहीं किया गया. आगे जब हम रिवीजन पढ़ेंगे मे बी उसमें उसको राइट दे दिया गया. के एक्सप्लेनेशन देखें, एन ऑर्डर पास्ड इन रिव्यू. अब रिव्यू में कोई ऑर्डर पास हुआ कि एक ओरिजिनल कोर्ट ने फैसला दिया उसके मतलब उसके ऊपर नजरसानी हो सकती है, कानून कहता है, तो उसने नजरसानी दायर कर दी, रिव्यू एप्लीकेशन दी और उसमें कोई ऑर्डर आता है तो क्या उस ऑर्डर के खिलाफ अपील हो सकती है या नहीं? इस बात को उसने लिखा कि एन ऑर्डर पास्ड इन रिव्यू, रिव्यू में ऑर्डर पास हुआ
मॉडिफाइंग आ रिवर्सिंग आ प्रीवियस ऑर्डर, और जो पिछला ऑर्डर था उसको क्या कर दिया, मॉडिफाई तरमीम कर दी, तब्दील कर दिया पहले वाले ऑर्डर को। तो शेल बी डीम टू बी एन ओरिजिनल ऑर्डर, उसको हम क्या समझेंगे, ओरिजिनल ऑर्डर। जब उसको ओरिजिनल ऑर्डर समझेंगे तो सीधी बात है इसकी अपील किधर जाएगी, इसके खिलाफ अपील हो सकती है कलेक्टर के पास फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन। तो इस सेक्शन के तहत अगर कोई नजरसानी में फैसला आता है और उसको रिवर्स भी कर लें या कंफर्म भी कर लें, तो वो उस ऑर्डर को हम क्या, कौन सा ऑर्डर लेंगे, ओरिजिनल ऑर्डर नाम लेंगे, ना के रिविजनल ऑर्डर कहेंगे, रिव्यूअल ऑर्डर कहेंगे। समझ आई? An order shall not be confirmed, modified or reversed in appeal. और वही ऑर्डर ना तो कंफर्म हुआ, ना मॉडिफाइड हुआ, ना रिवर्स हुआ इन अपील में, unless reasonable notice has been given to the parties. तो स्टार बना लें, 161 की क्लास 2 कहती है कि नोटिस देना दूसरा पार्टी को मस्ट है। ये नोटिस क्लास है, उस शिप को हम पूरा करते हैं जो कहते हैं कि ऑडियल ट्रम पेट्रम, नो वन शुड बी कंडेम्ड विद और हर्ड, कि किसी को बगैर सुने फैसला नहीं देंगे, बगैर सुने किसी को सजा नहीं देंगे। तो नोटिस देना जरूरी है। जब कोई अपील होती है तो उस अपील को ना तो कंफर्म करेंगे, ना ही मॉडिफाई करेंगे, ना ही रिवर्स करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, दूसरी पार्टी को नोटिस देंगे। Unless reasonable notice has been given to the parties affected thereby, कि जो भी पार्टी उस ऑर्डर से इफेक्ट होती है, जिसके ऊपर असर पड़ता है, तो उसको नोटिस जाएगा, क्या जाएगा, कि to appear and heard, कि कोर्ट में हाजिर आओ और आपको सुना जाए, in support or against the order appealed from, कि जिस ऑर्डर के खिलाफ अपील हुई है, कि तुम्हारे हक में है तो आप हमें बताएं, नहीं है तुम्हारे हक में तो तब भी बताएं। समझ आ गई? अब आ गई 162 पे लिमिटेशन भी, उसने लिमिटेशन फॉर अपील्स सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट। तो बावजूद इसके कि इस एक्ट में जो कुछ लिखा हुआ है, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन अपील अंडर सेक्शन 161 शैल रन फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट। तो कहते हैं कि उसका ऑर्डर जो होगा कब से, टाइम पीरियड कब से स्टार्ट, फर्ज करें आज ऑर्डर आ गया, ओरिजिनल ऑर्डर आज पास हो गया, तो अपील का टाइम पीरियड कहां से स्टार्ट होगा। तो कहते हैं शैल बी 30 डेज, 30 दिन है अपील का ऑर्डर, वेयर द अपील लाइज टू द कलेक्टर। अगर अपील किधर जानी है, कलेक्टर के पास, तो आज ऑर्डर पास हुआ है, उस ऑर्डर को निकाल के अगला दिन फर्स्ट सेकंड थर्ड 30 दिन गिन के अपील का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। फिर कहते हैं बी 60 डेज, वेयर द अपील लाइज टू द कमिश्नर। अगर वो अपील डायरेक्ट कमिश्नर के पास जाती है तो उसके लिए कितनी मियाद रखी हुई है, 2 months। 90 डेज वेयर द अपील लाइज टू द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अगर आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अपील जाती है तो उस अपील की ऑर्डर की मियाद कितनी है, 90 डेज। कमिश्नर की 30 डेज, कलेक्टर की 30 डेज, कमिश्नर की 60 डेज और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की 90 डेज। रिव्यू नजरसानी 163। अ कमिश्नर कलेक्टर एंड असिस्टेंट कलेक्टर, तीन अथॉरिटियों का नाम उसने लिया है, कमिश्नर कलेक्टर और असिस्टेंट कलेक्टर। कहते हैं कि मे एट एनी टाइम, किसी भी वक्त, कोई बार नहीं रखा कि कितने दिन या किस वक्त, किसी भी टाइम, ऑन हिज ओन मोशन, इसका मतलब होता है सो मोटो, खुद भी एक्शन ले सकता है, रिव्यू एनी ऑर्डर पास बाय हिमसेल्फ, कि किसी भी ऑर्डर को क्या कर सकता है, रिव्यू कर लेगा खुद ही, या एनी ऑफ